आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। गुरु प्यारे साथ संगत जियो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज का ये खालसा, एक संत भी है और सिपाही भी, हमेशा ये वाहेगुरु जी के नाम सिमरन में लीन रहता है, हमेशा गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता है, पाठ करता है, सेवा करता है, सभी धर्मों का आदर सम्मान करता है, प्यार मोहब्बत से शांतिपूर्ण ढंग से सबके साथ एक साथ जीता है। और यही नहीं, गुरु प्यारी साथ संगत जियो, गुरु साहब का ये खालसा ईमानदारी से मेहनत मशक्कत करके कीर्त कमाइयां करता है और वंड के छकता है। और जब कभी धर्म पर कोई आक्रमण कर देता है, मजलूमों पे अत्याचार करता है, तो यही खालसा धर्म की रक्षा के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए अस्त्र शास्त्र भी धारण कर लेता है। सो अच्छे रोशन चिड़िया नाल पांच लड़ावा, तभी गोविंद सिंह नाम कहावा, सवा लाख से एक लड़ाऊ तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊ, देश पर मोहे ये शुभ कर बनते कब हूँ, न डरो न डरो अर्थ्यो जब जाए लड़ो, निश्चित कर अपनी जीत लड़ो। सोनी जी की जोरदार परफॉर्मेंस के बाद अब बारी आती है, जो जहाँ भी जाती है हर जगह को रोशन कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रोशन भाभी की। भारत माता, मेरे सभी बच्चे मेरे लिए एक समान, पंजाबी बंगाली गुजराती मराठी सभी को मुझ पर अभिमान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़ा मारी जान छे। भारत माता अपने बच्चों को बस यही बताने आई है कि ये भी तेरा भाई है और ये भी तेरा भाई है। जय हिंद, जय भारत माता की। परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। दिल खुश कर देता यार, मजा आ गया एकदम। अब आप सबके सामने आ रही है आज शाम की पहली जॉइंट परफॉर्मेंस। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं औसम अंजलि भाभी का और मार्वेलस मेहता जी का।
जी और सीता जी की शादी हो गई। शादी हो गई। बोलो भगवान श्री राम की जय, सीता मैया की जय। अब हो गया ना बेटा। हाँ हाँ। मैं दशरथ पुत्र रघुकुल नंदन राम मर्यादा के पालन के लिए मैंने माता पिता मित्र राजपाट और यहां तक कि पत्नी के संग का भी त्याग किया। इसीलिए मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अर्थात आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श राजा, आदर्श पति और मेरे आदर्शों पर चलने वाला पुरुष उत्तम पुरुष बनता है और जीवन में सदैव सुखी रहता है। प्रणाम। मैं मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री जानकी भूमि पुत्री मैथिली सीता अपने पति श्री राम के संग को मैंने भव्य महलों के सुख से अधिक समझा। उनके साथ मैंने वनवास काटा। जो स्त्री मेरी तरह पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सुख और दुख में अपने साथी के साथ अड़क रहने वाली स्त्री को सुखी वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा तथा बोलो सियावर रामचंद्र की। और मारुति नंदन पवन पुत्र और परदुख बंजन राम जी का मैं हूं परम भक्त मैं महावीर हनुमान। अरे वाह वाह। राम जी की भक्ति सदैव है मन में और जिह्वा पर उन्हीं का नाम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मनुष्य को नारायण 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 नारायण। हम हैं विष्णु जी के परम भक्त
तीनों लोक के समाचारों से युक्त निरभिमानी परम ज्ञानी मुनियों के मुनि नारद मुनि। हम देवों के संवाद दाता है, इसीलिए हमें संसार के सारे पत्रकारों का पिता माना गया है। हम सिर्फ सूचना नहीं देते, हम सार्थक संवाद का सृजन करते हैं। इसीलिए हमें आदर्श पत्रकार माना गया है। हम भली भांति जानते हैं कि आजकल पृथ्वी लोक में नाटक और सिनेमा की वजह से हमारी छवि कलह पैदा करने वाली या विदूषक के जैसी हो गई, पर ऐसा कतई नहीं। हम मनुष्य, देव और असुर तीनों लोकों में सबकी भावनाओं को समझते हैं और उनका समाधान करते हैं। आज के युग के पत्रकार पत्रकारिता को सनसनी फैलाने का साधन समझ बैठे हैं, उनके पद से विमुख हो गए हैं, भटक गए हैं। उन सारे पत्रकारों को हम फिर एक बार पुनः उनके आदर्शों की स्मृति कराना चाहते हैं। नारायण नारायण नारायण। मुनिवर, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछो पूछो बालक। क्या है कि आमतौर पे हमने आपकी छवि करताल और वीणा के साथ देखी है, लेकिन आज ये छाता। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बालक। ये छत्र हमें दुर्विचारों की वर्षा से बचाता है। ओहो, वाह। और सदैव हमारे मुख पर हरि नाम रखता है। नारायण 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 नारायण। नारद जी, आप तो त्रिकाल ज्ञानी है, है ना? जी जी, पूछो पूछो बालक, जो पूछना चाहते हो पूछो। तो जरा भविष्य में झांक के हमें ये बताइए कि हमारे यहाँ एक पोपू है, यानी कि पत्रकार पोपट लाल, उसकी शादी कब होगी? हाँ रे बाप, नादान बालक, चाहे उसके दोस्त उसकी कितनी भी खिल्ली उड़ाए, उसका मजाक उड़ाए, उस पर व्यंग करे, लेकिन गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल की शादी होगी, जरूर होगी, होगी ना जज साहब? जरूर होगी पोप मुनिवर जी, जरूर होगी। नारायण 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 नारायण। वैसे सोड़ी जी, ये सवाल तुम्हें उनको पूछना चाहिए। अरे करेक्ट क्या मिलो? अरे जरूर होगी, जरूर होगी। क्या बात है पोपट जी, क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी आपने, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। तो अब बारी आती है सबके आदरणीय सबसे सियाने, जिनकी बात हर कोई माने, चंपक चाचा जी। ऑल द बेस्ट। सृष्टि का सर्जन हा, वेदों का निर्माता, त्रिदेव में से एक देव ब्रह्मा। मेरी उत्पत्ति के साथ साथ ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। मैं समस्त प्राणियों में जीव उत्साह और गतिशीलता की पूर्ति करता हूं। ये समग्र संसार मुझसे है, मैं सर्जनहार हूं, इसलिए मेरे सारे सर्जन मुझे बहुत प्रिय है। क्या बात है चाचा जी, आपने बिल्कुल सही एकदम रूप धारण किया है ब्रह्मा का। वो सृष्टि के निर्माता हैं, आप हमारी सोसाइटी में हमारे अच्छे विचारों के निर्माता हैं। सही बात।
बारी आती है साइंटिस्ट कृष्णन अय्यर जी की। मनुष्य को उसके पाप और बुरे कर्मों का फल देने वाले दंडाधिकारी शनि देव हैं। मनुष्य को हमारे बारे में बहुत गलत फहमियां हैं, भ्रांतियां हैं, निराधार हैं। जय गुरुदेव। मनुष्य हमको मारक मानता है, दुख का कारक समझता है, हमारा दृष्टि को वक्र दृष्टि मानता है, अशुभ मानता है। जय गुरुदेव। हम भैरवाय नमः। ये सब मनुष्य की भ्रामक और निराधार है, मनुष्य की गलत फहमियां है। ओम भम भैरवाय नमः। जय गुरुदेव। हम हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं, उसके कर्मों का फल देते हैं, उसके पापों का दंड देते हैं। ओम इस ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। जय गुरुदेव। हम भैरवाय नमः। इसलिए मनुष्य हमारा स्मरण करके अपने मुख पर डर नहीं स्मित लाइए। जय गुरुदेव। हम मनुष्य के दुश्मन नहीं है, हम मनुष्य के मित्र हैं। हम दंडित केवल पापियों को ही करते हैं। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। आसित भाई। हाँ मेहता सर। किस सोच में डूबे हो, कैसा लग रहा है आपको? अरे भाई मेरा दिल तो आनंदित है, हाँ। लेकिन दिमाग से बहुत परेशान हूँ। क्यों? अगर इतने सुंदर परफॉर्मेंस जारी रहेंगे तो किसे अवार्ड दूंगा? टप्पू सेना ने तो मुझे जज बना के फंसा दिया है। सही कहा। अरे सूरमा इतनी शानदार प्रस्तुतियां कर रहे हो, सुंदरने तो कठिन होता ही। तो मित्रों गोकुलधाम सोसाइटी में दिव्य वेशभूषा स्पर्धा जोरों शोर से चल रही है। महान विभूतियों, दिव्य विभूतियों के दर्शन करने का, उन्हें देखने का हमें मौका मिलता है। अब देखना यह है कि बाकी बचे सदस्य, बाकी बचे प्रतियोगी कौन से पात्र का रूप धरते हैं। बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.